देश भर में कृषि बिल 2020 को लेकर पुरजोर तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। इस बिल के खिलाफ किसान अब सड़क पर उतर आए हैं और अपने हक की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में अब तक कई सारी हस्तियां आगे आ गई हैं, जिनमें फिल्म सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं। हालांकि अपने सोशल कामों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले अक्षय कुमार इस बार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब ये बात काफी लोगों को नागवार गुजरी है और लोग अब उन पर निशाना साध रहे हैं। अक्षय कुमार को ट्रोल करते हुए लोग कह रहे हैं कि उनके कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी किसानों के लिए अपनी आवाज उठाई है, लेकिन अक्षय है कि उन्होंने अब तक इस विषय पर एक भी शब्द नहीं कहा है। लोगों ने अब ट्विटर पर अक्षय को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते वो ट्रेंड भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म में कैसे इंसान का रोल करेंगे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान हाईवे तोड़ते नजर आएंगे। उस फिल्म का नाम होगा संघी द हाईवे मैन। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, एक कैनेडियन भारतीय किसानों का समर्थन कर रहा है, वहीं एक देशभक्त इंडियन चुपचाप खड़ा है। अगर भक्त कनाडा को बॉयकॉट करना चाहते हैं तो क्या ये शुरुआत अक्षय कुमार से कर सकते हैं? इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, कैनेडियन पीएम ने किसानों का समर्थन किया है तो वहीं हिंदुस्तानी होते हुए भी अक्षय कुमार के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने फार्मर प्रोटेस्ट का समर्थन किया है, अब मोदी जी उनको सबक सिखाइए, कैनेडियन अक्षय कुमार को वापस भेजिए। तो देखा आपने, लोगों ने अक्षय की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उन्हें जमकर ट्रोल किया है। आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किसान आंदोलन को लेकर बात करते हुए कहा था कि हमारा देश यानी कि कनाडा हमेशा से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के अधिकार का बचाव करता है। हम चर्चा से मामलों को सुलझाने में यकीन रखते हैं। हमने भारत सरकार के सामने अपनी चिंताएं भी व्यक्त की हैं। बताते चले कि फार्मर प्रोटेस्ट के सपोर्ट में अब तक सोनू सूद, कपिल शर्मा, स्वरा भास्कर, उर्मिला और हिमांशी खुराना जैसे स्टार्स अपने रिएक्शंस दे चुके हैं, लेकिन अक्षय समेत कई बड़े स्टार्स को सांप सूंघ गया है। वैसे इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।